हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश सर फ्रॉम मेवरिक्स। सो इस वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड लैंग्वेज इस चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6 देखने वाले। तो पार्ट 6 में हम GNF देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने CNF के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने। आई होप कि आपको सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हम GNF को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। ओके तो आई थिंक हमने पहले देखा था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक CNF होता है, एक GNF होता है। उसके कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो CNF के हमने कुछ रूल देखे थे, CNF में ग्रामर कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसी तरह हम GNF देखेंगे, GNF को ग्रामर कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि GNF क्या होता है। GNF का ऑलरेडी हमने लॉन्ग फॉर्म देखा कि ग्रैबैक नॉर्मल फॉर्म। ओके सो GNF के डेफिनेशन है कि अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इक्वल टू VTPS इज इन अ GNF इफ ईच प्रोडक्शन हैज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कौन कौन से फॉर्म में चाहिए। ए टेंस टू, ऐसा एजम करो कि ए एक आपका एक नॉन टर्मिनल है। तो एक नॉन टर्मिनल जो डिराइव होगा ना, उसके स्टार्टिंग में सिर्फ एक टर्मिनल होगा, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल होंगे एंड तक। मतलब अगर बड़ी बड़ी स्ट्रिंग है या फिर बड़ा कॉम्बिनेशन है, उसमें सिर्फ पहला टर्मिनल, बाकी सारे नॉन टर्मिनल, या फिर सिंगल टर्मिनल चल सकता है, या फिर ग्रामर ही सिर्फ एस टेंस टू एप्सिलॉन चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में ग्रामर आता है तो उसको हम GNF ग्रामर बोलेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एक रूल है कि उसको CNF में कन्वर्ट करो। अभी आप बोलोगे सर CNF में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस है, हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखे थे कि उसमें टाइम कितना जाएगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, 6 मार्क के लिए आता है, तो उसको पहले CNF में कन्वर्ट करने के लिए पहला टाइम जाएगा। हाँ, पहले क्या करो, CNF में कन्वर्ट करो, बट एकदम शॉर्टकट मेथड से करो। मैं बताऊंगा यहाँ पे एकदम शॉर्टकट मेथड कैसी है। ओके एकदम विद इन अ मिनट वो CNF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद के हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी है। एक बार ग्रामर CNF में आ गया, उसको हम बाद में रीनेम करेंगे A1, A2, A3 अप टू AN तक। सबको रीनेम क्यों करना है, क्योंकि हमें कुछ रूल अप्लाई करना है इसके वजह से। सो अगर कुछ प्रोडक्शन डायरेक्टली टर्मिनल को डिराइव कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी GNF में है। ठीक है, तो अभी हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमने A1, A2, A3, A4 ऐसे ग्रामर को रीनेम किया है, और AI और AJ, I और J कुछ नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो अगर I का नंबर J से छोटा है तो उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, यहाँ पे ग्रेटर देन करना है, मैं यहाँ से कर देता हूँ इमीजिएटली। सो यहाँ पे है आई ग्रेटर देन जे, सेकेंड रूल है आई ग्रेटर देन जे। तो सेकेंड रूल अगर ये ग्रेटर देन है आई की वैल्यू जे से, तो हमें रिप्लेस क्या करना है, एजे प्रोडक्शन इन AI प्रोडक्शन। तो एजे प्रोडक्शन मतलब जो होगा ना एजे में, तो हमें वो आई थिंक ये सेंटेंस ही गलत हो गया कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन है जे से, ऐसा सोचो कि ये A2 है और ये A1 है, तो AJ में मतलब AJ का जो प्रोडक्शन है ना, वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे जो भी नंबर है AI के अंदर। ये ठीक है, AJ प्रोडक्शन जो है वो AI के अंदर हम रिप्लेस करेंगे। तो उस रूल को बोलेंगे हम रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके ये बताऊंगा मैं जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर प्रोडक्शन मेरा इस फॉर्म में है कि AI टेंस टू AI अल्फा, दोनों जगह पे मेरा सेम ही नंबर, जैसे A2 टेंस टू A2, उसके बाद कुछ भी रहने दो, तो वहाँ पे हम रिकर्शन का रूल अप्लाई करेंगे। रिकर्शन के रूल के लिए मैं ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले। तो इस फॉर्मूला को क्या करो, कहाँ पे ना कहाँ पे नोट डाउन करके रख लो कि अगर मेरा ग्रामर इस फॉर्म में है A टेंस टू A अल्फा और बीटा, बीटा मतलब ऐसी स्ट्रिंग है कि जो A से स्टार्ट नहीं हो, कुछ भी रहने दो बाकी, और यहाँ पे ए और ए दोनों जगह पे ए है, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा, पहले बीटा ले लो, बीटा ए डैश एंड ए डैश टेंस टू अल्फा, अल्फा ए डैश। तो इस फॉर्म में हमें ग्रामर को कन्वर्ट करना है। इसी स्टेप को हमें रिपीट करना है जब तक हमारा ग्रामर GNF में ना आ जाए। तो इस सारे स्टेप्स को मैं ऐसे रखता हूँ और हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे और स्टेप के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्टली जाता हूँ मैं कैनवास के ऊपर। तो कैनवास में सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, पहले छोटा ही ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, देन हम आगे के कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले
S tends to AB, then A tends to SB और यहाँ पे स्मॉल ए, B tends to AB और यहाँ पे स्मॉल b. तो क्वेश्चन ऐसा है कि इस ग्रामर को मुझे GNF में कन्वर्ट करना है. ओके तो सबसे पहले स्टेप, इसको पहले चेक करो कि यह ग्रामर CNF में है क्या. CNF की पहली स्टेप है, इसमें यूजलेस सिंबल, एप्सिलॉन सिंबल, यूनिट सिंबल, इसमें कुछ है क्या. तो एप्सिलॉन तो नहीं दिखाई दे रहा है, यूनिट भी नहीं दिखाई दे रहा है, यूजलेस सिंबल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यस में ए भी है और ए और बी दोनों टर्मिनल को डिवाइड डिराइव कर रहे हैं, तो सारे सिंबल्स मेरे यूजफुल है. तो CNF के डेफिनेशन है कि एक तो दो दो के ग्रुप चाहिए, तो देखो दो दो के ग्रुप है और सिंगल टर्मिनल. तो इस ग्रामर, ये ग्रामर पहले से CNF में है, राइट. तो CNF अगर क्लियर नहीं है तो लास्ट वाले वीडियो मेरा जरूर देखो कि CNF में ग्रामर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो दो के नॉन टर्मिनल के ग्रुप बनाने. तो ये ऑलरेडी है तो लिख लेते हैं कि द गिवन ग्रामर इज इन CNF फॉर्म. ये ऑलरेडी CNF में है. तो मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप बताए थे आपको कि अगर ये CNF में है तो उसको रीनेम करो A1, A2, A3 के हिसाब से. तो कर दो रीनेम SAB as A1, A2, A3 respectively. ओके चलो फिर हम उसको रीनेम करते हैं. जहां जहां पे S है ना उसको A1 बोलेंगे, जहां जहां पे A है उसको A2 बोलेंगे, जहां जहां B है उसको A3 बोलेंगे. तो यस टेंस टू ए बी, ए बी मतलब ये A2 A3, राइट. तो मैंने A को A2 बोला है, B को A3 बोला है. देन यहाँ पे S मतलब A1, B मतलब A3, A यहाँ पे A मतलब A2, B मतलब A3, B. तो मेरा ग्रामर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी हमें ये देखना है कि इस ग्रामर को रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ रिकर्शन, ये दो रूल कहाँ कहाँ पे बैठते हैं, तो उस हिसाब से हम चेक करेंगे और वो रूल अप्लाई करते जाएंगे. तो अगर आई लेस देन जे है तो हमें कुछ नहीं करना है, मतलब ये वाला जो नंबर है ना I का, अगर ये छोटा है इस नंबर से तो कुछ नहीं करना है. जैसे कि देखो A1, A2, तो ये वन का नंबर दो से छोटा है तो कुछ नहीं करना है, लीव द प्रोडक्शन, कुछ नहीं करना है. बट अगर नंबर बड़ा है, ये वाला आई का नंबर बड़ा है, जैसे कि देखो A2, A1, तो A2 A1 में I का नंबर बड़ा है, A2 का नंबर बड़ा है, तो इसमें हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. ओके सो मैं क्या करता हूँ, एक एक प्रोडक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे कि कंसीडर द प्रोडक्शन A1 टेंड्स टू A2 A3. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे रूल के हिसाब से AI टेंड्स टू AJ अल्फा, राइट. और यहाँ पे क्या है, I इज लेस देन J, मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है. सो I इज लेस देन J, तो I इज लेस देन J में हम क्या करेंगे, वी लीव दिस प्रोडक्शन, मीन्स वी लीव दिस प्रोडक्शन एज इट इज. ओके सो लीव द प्रोडक्शन. नेक्स्ट कंसीडर द प्रोडक्शन A2 लेंगे, A2 टेंड्स टू A1 A3 और A. अब यहां पे देखो AI टेंड्स टू AJ अल्फा के हिसाब से I इज ग्रेटर देन J, मतलब दो का नंबर एक से बड़ा है. तो अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर बड़ा है तो रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिख दो बाय अप्लाइंग रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या है, A1 यहाँ पे A1 जो है ना, A1 में हम A1 का ये प्रोडक्शन रिप्लेस करेंगे. तो चलो A2 का क्या मिल गया, A2 टेंड्स टू A2 A3,
ए वन के जगह पे मैंने दोनों डाल दिया, आगे का ए थ्री कंटिन्यू और ये ए एज इट इज। तो ये जो है ना ए टू ए थ्री, ये मैंने ए वन के जगह पे डाल दिया। ए वन टेंस टू ए टू ए थ्री, राइट। तो ए वन के जगह पे ए टू ए थ्री डाल दिया, आगे का ए थ्री एज इट इज, आगे का ए एज इट इज। तो मेरा भी ये प्रोडक्शन आ गया। तो इस प्रोडक्शन में फिर से देखो, ये रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन डालने के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ए टू ए टू। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि ये ए टू और ए टू दोनों टू टू सेम है, तो दोनों टू टू सेम है तो ये सी वाला रोल आता है। देखो ए आई टेंस टू ए आई अल्फा, मतलब दोनों के नंबर सेम है। तो दोनों के नंबर अगर सेम है तो हम रूल ऑफ रिकर्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख दो बाय अप्लाइंग रूल ऑफ रिकर्शन। ठीक है, तो रूल ऑफ रिकर्शन में क्या है, ए टेंस टू ए अल्फा बीटा, तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। ओके, तो अप्लाई करने के बाद ए टू का प्रोडक्शन क्या आएगा, ये मैंने इधर ही लिखता हूं इस साइड में। हाँ, तो ए टेंस टू, देखो ए टेंस टू, ये ए टेंस टू ए, ये पूरा होगा अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया ए, ए टेंस टू ए अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो देखो ना, ये ए टेंस टू ए अल्फा बीटा, तो जो स्टार्ट कर रहा है वही स्टार्टिंग में है, ए ए ये अल्फा और ये बीटा। तो ग्रामर क्या आएगा, ए टेंस टू बीटा बीटा ए डैश, तो ये आएगा ए टू टेंस टू बीटा, क्या है मेरा स्मॉल ए बीटा, देन बीटा ए टू डैश। ओके, अगेन ए टू डैश टेंस टू, मतलब ये ए डैश टेंस टू अल्फा, अल्फा ए डैश, तो अल्फा क्या है मेरा ए थ्री ए थ्री ए थ्री ए थ्री, तो ये अल्फा हो गया मेरा ए थ्री ए थ्री, और ए थ्री ए थ्री में फिर से लिखना है बीटा बीटा ए डैश, फिर से बीटा और ए टू डैश। तो ये देखो, मैं इसको नंबर वन करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी जी एन एफ में आ चुका है। जी एन एफ की डेफिनेशन क्या बोलती है कि स्टार्टिंग में टर्मिनल चाहिए, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल चाहिए, या फिर सिंगल टर्मिनल चाहिए। तो ये देखो सिंगल टर्मिनल, और ये टर्मिनल के बाद सारे नॉन टर्मिनल। यहाँ पे लिखता हूँ इज इन जी एन एफ, तो मेरा ए टू जी एन एफ में आ गया। ओके, अभी मेरा ए टू अगर जी एन एफ में आ गया ना, तो ये ए टू में ए वन के अंदर डाल दूंगा, ए टू के ए वन के स्टार्टिंग में इधर, क्योंकि जो जो जी एन एफ में आएगा ना वो हम बाद में अदर प्रोडक्शन में डालते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, अदर प्रोडक्शन में अगर डालते हैं तो हम उससे क्या होगा कि वो भी जी एन एफ में आएगा। ओके, तो हम अभी यहां पे क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट ए टू इन इन ए वन, ए वन के स्टार्ट में है इधर, और इधर भी देखो ए थ्री के भी स्टार्ट में है, तो ए वन के भी स्टार्ट में डालेंगे, ए थ्री के भी स्टार्ट में डालेंगे। हमें सिर्फ स्टार्टिंग के ही सिंबल देखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ए टू इन ए वन एंड ए थ्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इस ए टू को मैं ए वन में डाल देता, तो ए वन क्या आएगा आपका, यहां पे डालना है ए टू के जगह पे इधर, तो ए टू ए, यहां पे ए डाला, उसके बाद ए थ्री लिखना है। ओके, उसके बाद ए थ्री लिखना है ये। अभी दूसरा डाल दो ए ए टू डैश, इधर डाल दो ए ए टू डैश, उसके बाद फिर से ए थ्री लिखना है। तो देखो ये भी जी एन एफ में आ गया, ए भी जी एन एफ में आ गया, राइट। सो ए वन हमारा ऑल जी एन एफ में आ गया, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में टर्मिनल है, उसके बाद नॉन टर्मिनल, स्टार्टिंग में टर्मिनल उसके बाद नॉन टर्मिनल। सो इसको भी हम नंबर देंगे दो, इज इन जी एन एफ। अभी वैसे ही हम ए टू को ना ए थ्री के अंदर भी डाल देंगे, हमारे ए थ्री क्या है ये है, राइट। तो इसमें हम इधर ए टू के जगह पे डाल देंगे, तो ए थ्री भी हमारे जी एन एफ में आ जाएगा। ए थ्री टेंस टू ए टू के जगह पे ए डालो पहला स्मॉल ए, देन ये आगे का ए थ्री एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये डालो ए ए टू डैश, इसमें डालो ए ए टू डैश,
उसके बाद नेक्स्ट का A3 एज इट इज रहेगा, ओके। और उसके बाद ये जो स्मॉल V है वो उसके सामने एज इट इज। तो इसमें भी देखो डेफिनेशन, स्टार्टिंग में टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, उसके बाद नॉन टर्मिनल। तो ये भी हमारे GNF में आ गया, इज इन GNF फॉर्म। तो अभी हमारे पास A2, A1, A3 ये तीनों भी GNF में आ गए, राइट। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्शन बचते हैं। तो A1, A2, A3 तो आ गए, हमारे पास एक नया प्रोडक्शन आया है A2 डैश वाला, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना है। इसके स्टार्टिंग में क्या है A3, इधर भी क्या है A3। तो देखो A3 GNF में है क्या, A3 देखो ऑलरेडी GNF में है। तो अगर A3 GNF में है तो A3 का हम A2 में डाल देंगे दोनों जगह पे, तो A2 डैश भी GNF में आ जाएगा, ओके। जैसे अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो सेम करेंगे, सब्स्टिट्यूट A3 इन A2 डैश प्रोडक्शन, ओके। तो A2 डैश क्या आएगा, ठीक तरह से देखो, कभी कभी रिप्लेसमेंट समझ में नहीं आती बहुत लोगों को। तो A2 डैश में सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे A3, तो A3 में 1, 2, 3 डालने हैं, ओके। तो सबसे पहले A3 डालते हैं, A3, उसके बाद ये A3, अभी ये आएगा A2 डैश A3, उसके बाद ये A3, फिर से आएगा B A3। तो तीनों भी मैंने इधर डाल दिए, अभी फिर से तीनों इधर डाल देंगे, ठीक है, A A3 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 A2 डैश, उसके बाद यस आई थिंक कुछ गलत हो गया, वेट 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 तो इसमें डाल दिया, तो हम पहले A A3 डाल देंगे, A A3 पहला वाला, उसके बाद A3 A2 डैश, उसके बाद ये दूसरा डालेंगे A A2 डैश A3, उसके बाद क्या है A3 A2 डैश, उसके बाद B डालेंगे B A3 A2 डैश। तो पूरा ग्रामर देखो, स्टार्टिंग में सबके स्टार्टिंग में टर्मिनल है, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल। तो इस हिसाब से इसको हम नंबर देंगे 4, इज इन GNF। तो चलो हमारे चारों भी 1, 2, 3, 4 GNF में आ गए, तो अभी हम नीचे लिख देंगे, सो जी इक्वल टू VTPS। सो V में हमारे सारे नॉन टर्मिनल, A1 A2 A3, एक नया मिला था A2 डैश, टर्मिनल में हमें सारे मिल गए स्मॉल A स्मॉल B, दो ही थे। प्रोडक्शन में अभी हम सारे प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, ये चार हमारे नंबर, हमने ऊपर नंबर दिए थे। स्टार्टिंग सिंबल हमारा A1 है, तो यहाँ पे लिख दो G इज इन GNF फॉर्म, फिनिश। सिंपल एग्जांपल लिया था, बट थोड़ा डिटेल में हमने देखा उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, ओके। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, थोड़ा और समझने के लिए। चलो तो मैं होम में जाता हूँ, फिर से नया ड्राइंग, और एक ग्रामर ले लेंगे यहाँ पे, S tends to ABC, A tends to small a, B tends to BB, AA, C tends to AC, CC BA। तो इस ये ग्रामर, तो पहले वो चीज़ आपको पता है कि CNF में नहीं है, पहली चीज़ तो वही है उसको CNF में कन्वर्ट करना। CNF की पहले स्टेप है, इसमें एप्सिलॉन है क्या, नहीं है, यूनिट नहीं है, यूजफुल सिंबल ABC, ए भी टर्मिनल को जा रहा है, BB जा रहा है, CB जा रहा है, तो आई थिंक सारे यूजफुल है, कोई रिकर्शन में है नहीं, और ABC तीनों के प्रोडक्शन भी अवेलेबल है, तो ग्रामर भी यूजफुल है। तो हमें सिर्फ उसको CNF में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है, ओके। सो यहां पे लिख देंगे कन्वर्ट गिवन ग्रामर इनटू
CNF फॉर्म। तो CNF में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। यस टेंस टू, उसको दो दो के दो दो में कन्वर्ट करो। ये ऑलरेडी तीनों नॉन टर्मिनल है, तो तीनों नॉन टर्मिनल है ना, तो ए और बी को मैं एक नया नंबर देता हूँ आर वन, आर वन सी, और आर वन क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। देन ए, ए वाला ऑलरेडी सी एन एफ में है, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि सिंगल टर्मिनल चलता है ना सी एन एफ में। देन बी में आते हैं, बी में बी, और ये देखो स्मॉल बी, तो स्मॉल बी इसको हम एक नया नॉन टर्मिनल ले लेंगे आर टू, आर टू टेंस टू स्मॉल बी, सिंगल चाहिए स्मॉल बी। अभी ए कैपिटल ए ना, ए और बी दोनों को जा रहा है, तो हम कैपिटल इधर नहीं ले सकते। अगर कैपिटल ए सिर्फ बी को रहता तो हम कैपिटल यहाँ पे यूज करते, ओके, बट ये अल्टरनेट के साथ है तो हम ये ए नहीं यूज कर सकते यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए। देन डबल ए दोनों को भी हम डाल देंगे आर थ्री, आर थ्री, और आर थ्री को हम ए लेंगे स्मॉल ए, ओके। देन सी का ले लेंगे, सी में स्मॉल ए सी, उसमें भी डाल देंगे स्मॉल ए की जगह पे आर थ्री सी, स्मॉल सी को नया डाल देंगे आर फोर, आर फोर टेंस टू सी, तो आर फोर सी, बी ए वहां पे भी डाल देंगे बी और ए आर टू आर थ्री। हाँ, ये तो सारे दो दो के ग्रुप में थे तो मैंने डायरेक्ट नॉन टर्मिनल डाल दिया, और तीन को डायरेक्टली मैंने इधर पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अभी इसका सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, एस ए बी सी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, इस हिसाब से हम उसको ए वन ए टू ए थ्री ए फोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो मैंने शॉर्टकट तरीके से उसको डायरेक्टली सी एन एफ में कन्वर्ट किया है। देखो सारे दो दो के ग्रुप है और ये सी एन एफ में है। चलो यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस एस ए बी सी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर टू टू ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट रिस्पेक्टिवली। तो चलो एस में ए वन डाल देते हैं, आर वन सी, आर वन अभी देखो ये बहुत थोड़ा दिक्कत होगा, तो आर वन को ये लाइन के हिसाब से आर वन को ए फाइव आएगा, ए फाइव सी को क्या आएगा ए फोर, ओके। ठीक तरह से नंबरिंग करो, क्योंकि नंबरिंग ठीक तरह से करोगे तो ये प्रॉपर पता चलेगा आपको क्या क्या करना है। देन ए मतलब ए टू को लेंगे, ए टू में स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये ऑलरेडी जी एन एफ में है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर वन इज इन जी एन एफ, सिंगल सिंगल टर्मिनल है ना, तो इसलिए ए थ्री, ए थ्री में बी ए ही है तो यहाँ पे ए थ्री आएगा, आर टू को ए सिक्स, आर थ्री को ए सेवन, ए सेवन सी को ए फोर, आर थ्री ए सेवन सी को ए फोर, आर फोर को ए एट सी को ए फोर, आर टू को ए सिक्स, आर थ्री को ए सेवन सो ए थ्री थ्री सिक्स, या राइट, आई थिंक ठीक तरह से किया है हमने कन्वर्ट नंबर के हिसाब से। चलो तो अभी आर वन आर टू आर थ्री आर फोर की बारी है, तो R1 लेता हूँ मैं, R1 को हमने A5 बोला है, A5 A और B मतलब A2 A3, ठीक है। देन R2 क्या है हमारा, R2 R2 मेरा A6 है, A6 टेंस टू B, ये भी GNF में है, ठीक है, मैं कॉमा करता हूँ, ए सेवन टेंस टू ए, ए एट टेंस टू सी,
इसको तीनों को मैं नंबर देता हूँ दो, ओके, या फिर आप अलग 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 में नंबर दे सकते हो, दो तीन चार दे दो अलग अलग, नो प्रॉब्लम। तो इसको बॉक्स करके मैं एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इज इन GNA। ओके, तो अभी जो जो GNF में नहीं है, अभी A1 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, अभी हमें उसमें ना ये दो रूल चेक करने हैं, बी वाला सी वाला, सब्स्टिट्यूशन और रिकर्शन। ओके, तो शुरू करते हैं A1 से। तो A1 में देखो, आई थिंक A1 में A5, तो 1 से 5 बड़ा नंबर है, तो 1 से 5 बड़ा नंबर है, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, लीव द प्रोडक्शन कुछ नहीं करेंगे। तो चलो A3 ले लेते हैं, ठीक है। A3 A3, देखो A3 A3, रिकर्शन बैठ बैठता है इधर, रिकर्शन बैठता है A3 A3, राइट। तो चलो A3 वाला प्रोडक्शन ले लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसीडर कंसीडर A3 टेंड्स टू A3 A6 A7 A7, ओके। और यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करूँगा A टेंड्स टू A अल्फा बीटा वाला रूल, तो A A, राइट, ये हो गया अल्फा और ये पूरा हो गया बीटा। ठीक तरह से देखो A अल्फा बीटा, तो जहाँ से शुरुआत, A3 A3 दोनों जगह पे A3 A3 है, तो ये A A हो गया, उसके बाद अल्फा और ये पूरा बीटा, और ये इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि A टेंड्स टू A अल्फा बीटा बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रिकर्शन। सो रिकर्शन का रूल अप्लाई करने के बाद मेरा A3 क्या आएगा, A3 टेंड्स टू बीटा बीटा A डैश, तो बीटा क्या है मेरा A7 A7 बीटा, और फिर से बीटा A3 डैश, और A3 डैश क्या आएगा, अल्फा, अल्फा में क्या है मेरा A6 और Alpha A डैश, अगेन अल्फा A3 डैश। कन्वर्ट तो कर दिया हमने अभी, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद फिर भी ये ग्रामर मेरा GNF में नहीं आया, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग के देखते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे A7 है, इधर A7 है, ऊपर देखो A7 टेंड्स टू A, ऑलरेडी GNF में। यहाँ पे देखो इधर क्या है A6, इधर क्या है A6, तो इधर भी देखो A6 ऑलरेडी GNF में है। तो चलो टर्मिनल तो डालना है हमें दोनों जगह पे, इधर A7 के जगह पे स्मॉल ए डालेंगे, A6 के जगह पे स्मॉल बी डालेंगे। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग A7 प्रोडक्शन इन A3 एंड A3 डैश रिस्पेक्टिवली। तो अभी A3 क्या आएगा, चलो सब्स्टिट्यूट करते, A7 की जगह पे स्मॉल ए डालना है, स्मॉल ए A7, इधर स्मॉल ए A7 A3 डैश, इसको बोलेंगे नंबर 3 इज इन GNF, A3 डैश कर लेते हैं, A6 में स्मॉल बी। सिर्फ स्टार्टिंग का ही चेक करना है, क्योंकि GNF के डेफिनेशन में सिर्फ स्टार्टिंग में ही टर्मिनल चाहिए, इज इन GNF। तो दोनों कन्वर्ट हो गए, A3 का काम हो गया, A3 A3 डैश हो गया। A4 में देखते हैं क्या चल रहा है, A4 के स्टार्टिंग में 7 8 6 सारे नंबर जा बड़े हैं, 4 से बड़े हैं सारे नंबर। अगर नंबर बड़े हैं तो ठीक है, हम सबसे ये वाला रूल नहीं डालेंगे, बट दूसरा रूल डाल सकते हैं। अगर ये A7 GNF में है, A7 GNF में है, राइट, A8 GNF में है, A6 GNF में है, तो तीनों के स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल GNF में है, तो हमें तीनों के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके A4 को भी हम GNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग A7 A8 A6 इंटू A4 प्रोडक्शन, तो A4 क्या आएगा,
A4 के A7 में स्मॉल ए आएगा इधर, स्मॉल ए A4, A8 में सी A4, A6 में बी A7 इज इन GNF। देखो सक्सेस, सभी के स्टार्टिंग में टर्मिनल है, तो 4 का भी काम हो गया। ओके अभी 5 का देखते हैं, 5 का क्या बचा है, तो 5 में डाल देते A2। A2 देखो A2 ऑलरेडी GNF में है, तो A2 डाल देंगे, A5 भी GNF में आएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग A2 इन A5 प्रोडक्शन, तो A5 का आएगा अभी A2 की जगह पे सबसे पहले स्मॉल ए डालो, स्मॉल ए A3, उसके बाद स्मॉल बी डालो, स्मॉल बी A3। तो ये भी GNF में आ गया, इज इन GNF। अभी क्या बचा है, आई थिंक A1 बचा है, तो A1 को ले लेंगे। A1 में A5 है, ये A5 था, A5 देखो GNF में आ गया है ना, तो A5 अभी A1 में डाल देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, इसलिए हमने A1 को लास्ट में रखा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जांपल सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना है, आप कैसे भी कर सकते हो, बट जो भी रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करोगे वो खुद GNF में चाहिए। ठीक है, या फिर रूल के हिसाब से इधर बैठना चाहिए, आई ग्रेटर देन जे, या आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सब्स्टिट्यूटिंग A5 इन A1 प्रोडक्शन, तो अभी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ नया प्रोडक्शन मिलेगा। तो A1 क्या आएगा देखो, अभी A1 टेंड्स टू A5 की जगह पे सबसे पहले डालते A3 A4, उसके बाद B A3 A4 इज इन GNF। अभी लिख दो जी इक्वल टू VTPS। ओके V में आएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A3 डैश भी आएगा, टर्मिनल में आएगा ए और बी और सी स्मॉल, और प्रोडक्शन में नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग सिंबल A1 लिख दो नीचे, जी इज इन GNF फॉर्म। ओके आई थिंक आपको ये ठीक तरह से समझ में आया होगा, बट मुझे और एक एग्जांपल आपको समझावाने, देन हम उसको मतलब इस वीडियो को स्टॉप करें, और एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा अलग वे का। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि अगर गिवन ग्रामर में ना यूनिट प्रोडक्शन एप्सिलॉन प्रोडक्शन होगा तो उसको किस तरीके से निकाल के CNF में कन्वर्ट करना है। एक बार CNF आ गया देन उसके बाद GNF के रूल अप्लाई करना है, वो सारे चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। ठीक है, तो चलो मुझे एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिखाना है जिसमें रिकर्शन दो जगह पे आएगा, ए टेंस टू ए अल्फा, तो दो जगह पे ए अल्फा आएगा। तो मुझे आपको वही बताना है कि दो जगह पे ए अल्फा आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके सो लेट मी चेक, चलो एक ले लेते हैं कि जिसमें एप्सिलॉन हो उसको हम GNF में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ग्रामर ले लेते हैं, यस टेंस टू ABA एंड ए टेंस टू AA एप्सिलॉन, बी टेंस टू BB एप्सिलॉन। सबसे पहले एप्सिलॉन प्रोडक्शन को निकाल देते हैं बाय एलिमिनेटिंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो आप यूरोप में भी कर सकते हो, ए और बी नलेबल सिंबल है, ए और बी को यहाँ पे डाल दो, एस भी नलेबल सिंबल आएगा, तो तीनों भी नलेबल सिंबल है, तो तीनों में भी हम अगर एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन डाल के हम नए कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यस में नए कॉम्बिनेशन क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा ABA, उसमें दो जगह पे अगर मैं डालूँ AB BA AA, एक जगह पे डालू ए एक जगह पे डालू बी, तो ये आएगा प्रोडक्शन। कैपिटल ए में क्या आएगा, ए आएगा, और कैपिटल ए में डालू तो स्मॉल ए आएगा। बी में क्या आएगा, BB, और बी में डालू तो बी आएगा। तो ये एलिमेंट करने के बाद ये प्रोडक्शन आएगा। आई थिंक ये एग्जांपल हमने CNF में देखा था, मुझे ऐसा लग रहा है,
चलो ठीक है, इसको हम जेएनएफ में भी करेंगे। चलो अभी ये यहाँ पे यूनिट आ गया है ना, यूनिट भी निकालना होगा बाय एलिमिनेटिंग। यूनिट प्रोडक्शन तो यस टेंस टू, मैं इधर ही कर देता हूँ, एप्सन प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन इधर ही कर देता हूँ, जगह बचेगी। और हमें आगे आप नेक्स्ट स्टेप में करो, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लो, और नेक्स्ट स्टेप में करके यूनिट प्रोडक्शन का ग्रामर में सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे ए के जगह पे ए का प्रोडक्शन, बी के जगह पे बी का प्रोडक्शन, इधर ए के जगह पे ए का, बी की जगह पे बी का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का प्रोडक्शन क्या है, ए ए ए दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, और बी में बी बी बी। ठीक है, तो ये आ गया, अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे सी एन एफ में, कन्वर्ट ग्रामर इंटू सी एन एफ फॉर्म। अभी सी एन एफ में सबसे पहले जो तीन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये तीन, इसमें ए बी को मैं आर वन डाल देता हूँ, आर वन ए। ठीक है, तो यस ए बी इधर लिख लेता हूँ मैं, आर वन क्या आएगा आपका, बी ए बी आएगा, पहले दो को मैंने आर वन डाल दिया, ये ए बी चलेगा, दो चलते हैं, बी ए बी चलेगा, ए बी चलेगा, ए और स्मॉल ए को हम आर वन डाल देंगे, और स्मॉल बी को आर टू डाल देंगे। तो ये हो गया, ये चलेगा यहाँ पे आर टू बी, ये इधर ए आर वन आर टू बी बी। चलो ग्रामर मेरा सी एन एफ में हो गया, अभी इसको रीनेम करेंगे, रीनेमिंग यस ए बी आर वन आर टू आर वन आर टू आर थ्री रे आर टू आर थ्री आर टू आएगा इधर आर थ्री आएगा आर टू आर थ्री राइट। ये आर वन पहले किया था ना मैं, आर वन को ए आर टू आर थ्री बी, ठीक है आर वन आर टू आर थ्री एच्स ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स रिस्पेक्टिवली। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ए वन लिख लेता हूँ, ए वन में आर वन की जगह पे ए फोर आएगा, ए फोर ए टू ए टू बी में ए थ्री ए थ्री ए टू ए टू ए टू ए टू आर टू है ना, आर टू में ए फाइव, ये आगे लेता हूँ, ए और बी पीछे लेता हूँ मैं, ए सिक्स बी को ए थ्री ए और बी। ठीक है, ए ए में ए टू, ए टू में ए टू, आर टू में क्या आएगा, आर टू में क्या है, आर टू को, आर टू को हमें ए फाइव बोला है, ए फाइव ए, देन ए थ्री, आर थ्री को हम ए सिक्स बोल रहे हैं, बी को ए थ्री बोल रहे हैं, आर वन ए बी ए फोर बोलते हैं, ए बी ए बी ए और बी ए टू ए थ्री ए फाइव में स्मॉल ए, ए सिक्स में स्मॉल बी। तो ये ए फाइव और ए ना, ये आप सेपरेट लाइन में लिखो और इसको नंबर दो, इज इन जी एन एफ। वो जगह की वजह से मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है ओके। तो अभी ए वन ए टू ए थ्री देखना है, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से जाते हैं। अभी ए वन तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, पहले ए टू देखते, ए टू ए टू में देखो, ए टू ए टू में देखो, ए टू ए टू रिकर्शन आता है, दोनों जगह पे ए टू ए टू है। तो एप हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंसीडर द प्रोडक्शन, कंसीडर द प्रोडक्शन ए टू टेंस टू
A2, A5, A, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रिकर्शन, रूल ऑफ रिकर्शन में हमें करना है A टेंस टू A अल्फा बीटा। तो ये देखो A, ये A हो गया, ये A हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अल्फा अल्फा ए डैश, अल्फा अल्फा ए डैश, एंड ए डैश क्या आएगा, बीटा एंड बीटा ए डैश। तो इसको नंबर दे दो इज इन जी एन एफ, राइट। स्टार्टिंग में आ गया ना टर्मिनल। और ए फाई डाल देते हैं, ए फाई में स्मॉल ए है, इधर डाल देते हैं, तो ये भी जी एन एफ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट ए फाई इन ए टू डैश प्रोडक्शन। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए टू डैश क्या आएगा, ए फाई में जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल ए टू डैश इज इन जी एन एफ। चलो A2 हो गया, A3 में क्या है, A3 में 6 है, 6 ऑलरेडी GNF में है, तो ये डाल देते हैं। सब्स्टिट्यूट A6 इन A3 प्रोडक्शन। सो A3 आएगा स्मॉल b A3 इज इन जी एन एफ। तो A3 भी हो गया, A3 हो गया, A2 हो गया, A4 में स्टार्टिंग में A2 है और A2 हमारे जी एन एफ में आ गया है। चलो वो भी कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट A2 इन A4 प्रोडक्शन। तो A4 भी आ जाएगा जी एन एफ में। तो A4 के स्टार्टिंग में इधर A2 है, उसके बाद हमें A3 डालना है, तो A2 का डाल देते हैं A3, उसके बाद A2 A3 हो गया, ये भी इज इन जी एन एफ। चलो तो सिर्फ A1 बचा है, A1 का सभी देखो स्टार्टिंग के किधर भी A1 स्टार्टिंग में आया क्या, A1 नहीं आया। तो A1 स्टार्टिंग में नहीं आया मतलब यहाँ पे रूल ऑफ रिकर्शन अप्लाई नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के सारे देखते हैं कि जी एन एफ में है क्या, A4 जी एन एफ में है, A2 GNF में है, A3 GNF में है, A2 GNF में, A2 GNF में, A6 GNF में है। चलो डाल देते हैं सब कुछ। सब्स्टिट्यूट क्या क्या डालना, A4 A2 A3 तो ऑलरेडी लिखा है हमने, A6 इन A1 प्रोडक्शन। तो A1 क्या आएगा, ठीक तरह से देखो, अभी बड़ा सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले A4 इधर डाल देते हैं, उसके बाद 2 लगाना है हमें ऊपर, ये A2 A3 उसके बाद A2 लगाना है, ये भी लिखते हैं, उसके बाद A2 लगाना है। तो ये हो गया, इधर आते हैं, इधर A2 डालेंगे, A2 में कितने हैं, 2 है, उसके बाद हमें A3 लगाना है, A3 इधर आते हैं, 3 में 2 है, दोनों डाल देते हैं, B A3 उसके बाद A2 डालना है, A2 डालना है, A3 है ना, हाँ, देन B A2। चलो फिर से A2 डाल देंगे, फिर से हमें A2 डालना है, तो A2 इधर फिर से डालो, लास्ट में A5 डालना है, A5 A2 A5। अभी 6 डालो, 6 में क्या स्मॉल b है, स्मॉल b A3, उसके बाद स्मॉल a स्मॉल b इज इन जी एन एफ। तो लिख दो ग्रामर लास्ट में, g इक्वल टू VTPS, जैसे अभी हमने लिखा था, v में सारे नॉन टर्मिनल, A1 से लेके A1, A2, A3, A4 और हमारे पास A2 डैश एक आया था, ठीक है। टर्मिनल में लिख दो क्या क्या टर्मिनल है, स्मॉल a स्मॉल b,
प्रोडक्शन में लिख दो सारे नंबर्स हमारे, एक से लेके सिक्स तक सारे नंबर्स लिख दो यहाँ पे। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हमारा ए वन है, लिख दो यहाँ पे जी इज इन जी एन ए फॉर्म। आई होप कि मैंने इस वीडियो में तीन एग्जाम्पल सॉल्व किए, आपको आइडिया मिली होगी कि पेपर में ये एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करने हैं, राइट। तो और प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल सॉल्व करो। आई होप कि ये चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, चैप्टर नंबर थ्री जो हम अभी ये देख रहे थे। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर फोर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर फोर हमारा पीडीएफ है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो उसके कुछ वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन। आई होप कि मैं नेक्स्ट वीक में पूरे दो चैप्टर ख़त्म करूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए वो सारा बेनिफिशियल हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।